hello students i am mukesh bharti and today i'll discuss the answers of all the questions of the chapter the story of the story of village of palampur okay uh, which is given in the एन सी आर टी बुक ओके तो जितने भी क्वेश्चन एन सी आर टी बुक में दिए हुए हैं इस चैप्टर के और ये चैप्टर कौन से क्लास के लिए है क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स ओके दैट यू ऑलरेडी नो तो इनके सभी आंसर को हम डिस्कस करेंगे बट इसके पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट आई है पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं इस चैप्टर का बना चुका हूं इन विच आई हैव डिस्कस्ड द नोट्स ओके द कंप्लीट नोट्स मैं डिस्कस कर चुका हूं इसमें तो अगर आप इस इनके इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सही से समझना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर पार्टन पार्ट टू वंस यू वॉच दिस पार्ट वन एन दिस पार्ट टू देरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड

तो सेंसस एवरी टेन ईयर कंडक्ट किया जाता है ओके okay? और इस जब सेंसस कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो इसमें ये कंट्री वाइड होता है और ये इसमें इंडिया से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड लैंड एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स कॉलेज एवरीथिंग है ना जब सेंसस कंडक्ट किया जाता है तो घर घर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हर इंस्टीट्यूशन के बारे में हर टाउन हर विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और उसे उनकी डिटेल्स को तो रखा जाता है कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो उसी जिस तरीके से में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और फॉर्मेट में रखा जाता है तो उसी के बेस पे पूछा गया है कि पालमपुर जो विलेज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर में इसके इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में फिलअप करना है वो इंफॉर्मेशन क्या है कि वेयर इज पालमपुर लोकेटेड व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द विलेज व्हाट इज द लैंड यूज लैंड यूज मीन्स इरिगेटेड लैंड कितना है पालमपुर में अनइरिगेटेड कितना है और जो नॉट नोटकल्टिवेबल लैंड है जिनमें रोड पॉइंट्स के लिए यूज हो रहा है वो कितना है फैसिलिटीज पालमपुर में क्या है वाटर एजुकेशनल फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज मार्केट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन में क्या सुविधा है नियरेस्ट टाउन पालमपुर के तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें बताना है तो आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ज पालमपुरटेड इन द बुलंदोटल एरिया ऑफ दिलेज कितना टोटल टू ट्वेंटी सिक्स है पालमपुर का जो एरिया है अब हम लैंड यूज की बात करते हैं लैंड यूज की बात करता है तो टोटल इरीगेटेड लैंड इतना तो मैंने पहले बताया था कि टोटल एरिया कितना है पालमपुर में टू ट्वेंटी सिक्स है तो टू ट्वेंटी से टू हंड्रेड में पूरा इरीगेशन हो रहा है इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट अन इिगेटेड लैंड जीरो है और जो टू ट्वेंटी सिक्स में से टू हंड्रेड तो इरीगेशन हो गया एग्रीकल्चर हो रहा है बाकी बच गया कितना ट्वेंटी सिक्स सिक्स हेक्टेयर का ड्वेलिंग्स uh, के लिए यानी रहने के लिए रोड्स पॉन्स ग्रेजिंग ग्राउंड एटसेट्रा के लिए यूज हो रहा है अब अगर फैसिलिटी की बात करते हैं कि वॉट आर द फैसिलिटीज देन एजुकेशनल फैसिलिटी में क्या दिख रहा है ओके एजुकेशनल फैसिलिटी में टू प्राइमरी स्कूल इज देयर ओके देन मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करते हैं देन वन प्राइमरी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर वन प्राइवेट डिस्पेंसरी है मार्केट की बात करते हैं इट इज इन द नियर बाई विजेस इन रायगन शाहपुर ओके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करते हैं देन मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ज्यादातर घरों में है और जितने भी एग्रीकल्चर uh, करने के लिए ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं ऑल द ट्यूबवेल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं जैसे जैगरी प्रोडक्शन वगैरह के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस वगैरह रन हो रहे हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज ऑलरेडी देयर ओके कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो मेनली वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ओके तो ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ की गई है तो इट इज वेल कनेक्टेड है ना जो बगल अगल बगल के जो विलेजेस हैं नियर बाय टाउन्स हैं वेल कनेक्टेड हैं जैसे कि पालमपुर से तीन किलोमीटर दूरी पर रायगंज है सो ऑल द रोड्स आर कनेक्टेड टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू शाहपुर रायगंज और शाहपुर से कनेक्टेड है बहुत तरह के ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहे हैं मीन्स जैसे कि बुल्लो काट्स हो गया टोंगास बोगीज मोटरसाइकिल्स जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स वगैरह यूज हो रहा है ओके सो ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी वो भी सही है नियरेस्ट टाउन है वो क्या है शाहपुर है और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पीछे के वीडियो में आ, बता चुका हूँ आप लोग देख सकते हैं ओके okay? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप देख सकते हैं तो सेम ये वही चीज है जो नोट्स में बताया गया बड़े क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है उसमें मोर इंडस्ट्रियल इनपुट का यूज होता है इंडस्ट्रियल इनपुट ज्यादा यूज होते हैं आपको क्या करना है Agree है एग्री या नहीं ये बताना है तो देखो आपको मैं नोट्स में बता चुका हूं कि फार्मिंग मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स होता है एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में हम क्या यूज करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में हम लो यंग सीड्स लो सीड्स सीड्स मतलब वैसे seeds का यूज करते हैं जो ट्रेडिशनली चल रहा है ये कम प्रोडक्शन करके देता है क्रॉप्स का और ये लो यंग सीड्स में हमें लेस वाटर फॉर इरीगेशन इरीगेशन के लिए हमें कम पानी वगैरह की जरूरत होती है दूसरा क्या होता है इसमें कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम काउडंग या अनदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कंपोस्टिंग करके मैन्योर खाद तैयार किया जाता है ओके तो नेचुरल तरीके से तैयार मैन्योर का यूज करते हैं और ये सारी चीजें क्या हो क्या होती है ऑलरेडी फार्मर्स के पास नेचुरल है तो खुद फार्मर्स तैयार कर सकते हैं तो इसलिए इंडस्ट्री से इंडस्ट्रीज में बनी चीजों खरीदने की जरूरत नहीं है दे आर लेस डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियल आउटपुट ओके लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं ओके तो मॉडर्न फार्मिंग में नॉर्मली क्या होता है पहले ही बता चुका हूं मैं यूज ऑफ हाई यल्डिंग जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं एच वाई वी सीड्स भी बोलते हैं ये वो सीड्स होते हैं जो सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम प्लांट से आपको ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे ओके लेकिन ये हाई येल्डिंग वराइटी सीड्स का यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है पेस्टिसाइड्स का यूज होता है ट्रैक्टर्स प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वगैरह का यूज होगा और ये सारी चीजें कहाँ बनती है मोनोफैक्चर इंडस्ट्रीज ओके तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हो कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इट वुड बी राइट टू से दैट सच काइंड ऑफ मेथड्स यूज अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स ट्रेडिशनल फार्मिंग में इंडस्ट्रीज में बने आउटपुट का यूज कम होता है लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा वही चीजें यूज होती है जो इंडस्ट्रीज में तैयार होती द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आने से पालमपुर में फार्मर्स को कैसे हेल्प uh, हुआ ओके सो इट्स आंसर इज की इलेक्ट्रिसिटी आने से सबसे बड़ा जो हेल्प हुआ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सियन व्हील्स ओके एक पर्सियन व्हील्स हुआ करते थे और उससे चेंज होकर क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रन ट्यूबवेल्स वगैरह आ गए ओके और ट्यूबवेल्स आने से क्या हुआ कि फार्मर्स जो पहले रेनफॉल पर डिपेंड होते थे अब इनका डिपेंडेंस रेनफॉल पे कम हो गया जिसे लार्जर एरिया को अब क्या किया जाने लगा इरीगेशन किया जाने लगा ओके okay. तो पहले पर्शियन व्हील था और अब क्या आ गया टूब ट्यूबवेल आ गया और इसे ट्यूबवेल आने से लार्जर एरिया को इजिली रिगेट किया जाने लगा ओके और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ऐसा होने से बाई मिड नाइनटीन देखें तो आपको क्या देखता है कि टू हंड्रेड हेक्टेयर ऑफ लैंड ये मैंने क्वेश्चन नंबर वन में बता दिया है कि टोटल कल्टीवेबल एरिया जो एरिया है वो कितना था 200 हंड्रेड हेक्टेयर और ये पूरा का पूरा कल्टीवेबल एरिया क्या होने लगा इरिगेट होने लगा ट्यूबवेल्स वगैरह आने से और जिससे जो फार्मर्स है पालमपुर वो एक साल में, एक साल साल में में तीन डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए इससे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट उनको मिलने लगा मैक्सिमम पॉसिबल ये टोटल उनके पास कल्टिवेबल एरिया ही कितना था टू हंड्रेड सारा का सारा वो क्या करने लगे इरिगेट करने लग गए जो इसका मतलब क्या हुआ जितना वो मैक्सिमम लैंड पे प्रोडक्शन कर सकते थे वो मैक्सिमम आउटपुट उनको मिलने लग गया ओके तो यहां पे मैं एक इमेज दिखाता हूं ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये पर्सियन व्हील का है ओके ये पर्सियन व्हील है ठीक है और ये आपको दिख रहा है ये जो फिगर है ये किसका है ये ट्यूब वेल का है ओके ये जो होता है वो मैनुअली यूज हुआ तो होता था और ये एनिमल्स वगैरह के थ्रू या मैन पावर के थ्रू इनका यूज होता था ओके और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता था आप देख रहे हैं कि ये क्या है ये वेल है कुआं है कुएं से पर्सियन व्हील के थ्रू पानी निकाल के बाहर स्टोर किया जा रहा है और यहां से क्या होता था अः फील्ड्स में इरिगेशन होता था तो इस ये इसमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत थी ज्यादा मेहनत लगता था और ये स्मॉल एरिया को ही इसे आप क्या कर सकते थे इरिगेट कर सकते थे ये रेनफॉल पे क्योंकि कुआं में पानी रेनफॉल से जमा रेनफॉल पे डिपेंड करता लेकिन इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल आने से क्या हुआ ये सारा जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया अब आप जब चाहे जब स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक ट्यूब चला के आप इरीगेशन कर सकते हैं लार्ज एरिया अब लार्ज एरिया को आप इरीगेट कर सकते थे ठीक है और इसमें कोई लिमिटेशन <coughs> नहीं था कि हम दिन भर यूज नहीं कर सकते हैं अब जब चाहे जब यूज कर सकते हैं तो ये फायदा हुआ इलेक्ट्रिसिटी आने से ये फायदा हुआ पालमपुर के फार्मर्स को हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इट इज इंपॉर्टेंट कि इरिगेशन अंडर इरिगेशन ज्यादा से ज्यादा एरिया को लाया जाए और वाई तो सिंपल एरिया स्टूडेंट्स आपको पता है कि अभी भी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कल्टिवेबल लैंड ज डिपेंडेंट इंटायरली अपॉन रेंस अभी भी इंडिया में स्मॉल है तो ऐसा होने से जो फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है क्योंकि बारिश का रेंज का कोई भरोसा नहीं होता है वो लेट भी हो सकते हैं और या जितना बारिश होना चाहिए उतना बारिश नहीं होता है तो देस ओके और अगर रेन फेल हो गया अगर बारिश सही से नहीं हुआ या कम हुआ इसका मतलब जितना भी फार्मर्स एफर्ट्स लगाते हैं उनका जो रिसोर्सेज है वो टोटल वेस्ट हो जाता है और ये वेस्ट फार्मर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इकोनमी के लिए है तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने से ये नुकसान होता है तो इसका सोल्यूशन क्या है इस तरह के सिचुएशंस ना आए इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंटायर कल्टीवेबल एरिया जहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है दैट शुड बी ब्रॉट अंडर प्रॉपर फैसिलिटी वो सारे एरिया में प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी रहना चाहिए क्योंकि अगर वेल इरीगेटेड लैंड रहेगा इरीगेशन सभी लैंड पे होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा आउटपुट भी ज्यादा होगा जब आउटपुट ज्यादा होगा तो फार्मर्स के अंदर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आएगी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मतलब वो इनकम को लेकर वो स्टेबल हो जाएंगे उनको रिस्क नहीं रहेगा ओके और जब वो इनकम को लेकर स्टेबल हो जाएंगे तो वो नए नए फार्मिंग मेथड्स यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे जिससे अपने लैंड का प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा पाएंगे तो जितना ज्यादा प्रॉपर इरिगेशन होगा उतना ही ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचेगा और उतना ही ज्यादा फार्मर्स एग्रीकल्चर को लेकर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग की ओर मूव कर पाएंगे उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर कहता है कंस्ट्रक्ट टेबल ऑन द द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ लैंड अमंग फैमिलीज पालमपुर फैमिलीज टोटल पालमपुर में है तो उनके बीच लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है किसके पास कितना लैंड है तो ये सामने आपको दिख रहा है देखो वन फिफ्टी फैमिलीजन फिफ्टी फैमिली परसेंटेज के फॉर्म में कितने परसेंट फैमिली हो गए थर्टी थ्री परसेंट ओके तो so, 150 फैमिलीज या 33 परसेंट फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं दे आर लैंडलेस दे डोंट हैव एनी पीस ऑफ लैंड ओके और अगर हम लोग 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास परसेंटेज के वहाँ फिफ्टी परसेंट फैमिलीज या 240 फैमिलीज ऐसे हैं दे हैव लेस दैन टू हेक्टेयर लैंड ओके पर फैमिली दे हैव टू हेक्टेयर लैंड ओके और परसेंटेज के फॉर्म में लैंड की बात करें तो यहाँ पे लेस देन टू हेक्टेयर लैंड मीनस फिफ्टी फोर परसेंट फैमिली हैं जिनके पास मोर देन टू हेक्टेयर लैंड पर फैमिली है इटमीन्स थर्टी परसेंट फैमिली के पास टोटल सिक्सटी एट परसेंट ऑफ लैंड है थर्टी परसेंट फैमिली के पास लैंड है फैमिली थर्टी टू परसेंट लैंड है थर्टी थ्री के पास, है, के पास 0 है तो इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप देख सकते हैं कि कम से कम फैमिली ओनली सिक्सटी सिक्सटी फैमिलीज ऑन टू हेक्टेयर लैंड एज अ परसेंटेज सिक्सटी एट परसेंट ऑफ टोटल ओके तो पालमपुर में यह देखा जाता है कि uh, सिर्फ 60 फैमिली हैं जिनके पास टोटल लैंड का 68 परसेंट है और 240 फैमिलीज हैं जिनके पास टोटल लैंड का 32 परसेंट है और 150 फिफ्टी फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास टोटल लैंड का जीरो परसेंट तो आपको देख सकते हैं कि पालमपुर में कुछ ही फैमिलीज हैं जिनके पास ज्यादा जमीने हैं ओके दे आर रिच ये रिच होंगे इनके पास ज्यादा पैसे होंगे और ये जो है ये कम प्लॉट वाले हैं और ये तो एकदम गरीब कैटेगरी के हो गए क्योंकि ये दूसरे के लैंड पे एज अ अ फार्म एज अजर काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर द फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम मतलब जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक लेबर को पर डे जितना मिलना चाहिए उससे भी पालमपुर में क्या मिलता है लेस मिलता है यानी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया मिनिमम वेज से भी कम पालमपुर में लेबर को क्यों मिलता है ओके okay. जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कितना किया है सिक्सटी रुपीज फिक्स किया है पर डे का फार्म लेबर के लिए लेकिन पालमपुर में कितना मिलता है थर्टी फाइव टू फोर्टी रीजन क्या होता है तो इसका जो पहला रीजन है स्टूडेंट्स आपके सामने है कि पहला रीजन है कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द एग्रीकल्चरल लेबर ओके देखो अगर लेबरर के बीच में कॉम्पिटिशन रहेगा काम करने के लिए तो लेबर कम से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है रीजन क्या है उसका इसका रीजन है एक्सेस सप्लाई ओके एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि जो लेबरर्स हैं, उनका डिमांड क्या है कम है उनका डिमांड कम है और सप्लाई जो लेबरर्स है उनका जा, जा मतलब लेबर्स को लोग जो फार्म के जो ऑनर हैं, वो कम लेबर चाहते हैं लेकिन काम करने वाले लेबरर क्या है ज्यादा है तो जब एक्सेस सप्लाई होता है तो ऑब्वियस बात है एक्सेस सप्लाई है ज्यादा से ज्यादा लेबर काम करने के लिए तैयार है जबकि उनका डिमांड कम है उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा हर किसी को काम चाहिए लेकिन वो कम से कम पैसे में कम से कम वेज में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्यों क्योंकि लेबर की जरूरत कम है तो जो कम कर, कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होंगे उनको ही काम पर रखा जाएगा तो एक रीजन तो ये हो गया बच्चों ओके दूसरा रीजन क्या है कि आपको पता ही है कि पालमपुर में क्या यूज होने लगा मॉडर्न जो इम्प्लीमेंट्स है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने लगे जैसे ट्रैक्टर्स यूज होने लगे थ्रेसर्स यूज होने लगे हार्वेस्टर्स यूज होने लगे ठीक है अब इन सब चीजों के यूज होने के कारण जो लेबर का डिमांड है वो क्या हो गया कम हो गया कि पहले जो ये सारे काम जो ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं जो थ्रेसर्स काम कर रहे हैं जो हार्वेस्टर्स काम कर रहे हैं ये काम पहले कौन करते थे ये सब काम लेबरर्स करते थे ठीक है लेकिन अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट के आने की वजह से लेबर का डिमांड कम हो गया डिमांड कम होने के कारण जो लेबर्स हैं, वो कम से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनके बीच कंपटीशन हो गया काम करने का मुझे काम चाहिए मुझे काम चाहिए मुझे काम चाहिए तो कम से कम पैसे में लोग काम करने के लिए तैयार हो गए तो यही दो रीजंस हैं जिनकी वजह से मिनिमम uh, वेज से भी कम वेज uh, uh, मिलने लग गया पालमपुर के लेबरर्स को नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन कि आपके रीजन में यू हैव टू टॉक टू टू लेबरर्स है ना या तो आप फार्म लेबर से मिलिए या तो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर से मिलिए उनको कितना सैलरी मिलता है वेज मिलता है ये आपको <coughs> पता करना है उनको कैश में मिलता है या काइंड में मिलता है क्या उनको रेगुलरली मिलता है इस तरह की चीजें आपको पता करना है तो सिंपल सा यहाँ पे है कि या तो आपको दो लेबर से मिलना है या तो वो लेबर फार्म में काम करते हो खेतों में काम करते हो या वो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ बिल्डिंगे बन रही है बिल्डिंग्स बनते हैं वहां काम करते हो इनको वेज कितना मिलता है सैलरी इनको कितना मिलता है ये आपको पता करना है क्या इनको रेगुलर काम मिलता है है ना इनको रेगुलर काम मिलता है ये पता करना है ओके उनको कैश में मिलता है या काइंड में मिलता है कैश काइंड का मतलब क्या हो गया कैश मतलब नगद पैसे के फॉर्म में काइंड का मतलब कोई मजदूरी के रूप में उनको पैसा ना मिलकर के कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरे गुड्स दे दिया जाना ओके तो क्या उसके बाद क्या ये लोग डेट में है कर्ज में डूबे हुए हैं है ना तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है तो ये आपको खुद करना है ओके ये आपको खुद फाइंड आउट करना है इस तरह के लेबर को और खुद बात करना और इन सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ओके सेम पीस ऑफ लैंड जो फार्मर के पास है उन पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है और आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है तो इसके आंसर्स के फॉर्म में दो मेथड है या तो अगर आप सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो दो मेथड है पहला आप मल्टीपल क्रॉपिंग करें और दूसरा तरीका क्या है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आप मेथड करें मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि मोर मोर देन देन वन वन क्रॉप क्रॉप आपको ग्रो करना है सेम ईयर यानी एक साल में आपको एक ही क्रॉप नहीं ग्रो करना है अपने लैंड पे मोर देन वन क्रॉप दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग ओके जैसे अगर पालमपुर में एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब रेनी सीजन में वो खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जैसे ज्वारन बाजरा हो गया ओके और ये जो ज्वारन बाजरा है किस काम में आता है फॉर्डर के फॉर्म में एनिमल्स को आ, फीडिंग करने काम आता है ओके उसके बाद पोटैटोज वगैरह जो है उनका खेती होता है वो अक्टूबर एंड दिसंबर में होता है ओके विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स होता है जैसे कि ये जो रबी क्रॉप्स है ये वीट और दूसरे चीजों को ग्रो किया जाता है तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरे साल भर में ओके तीन तरह के क्रॉप्स है ना वो ग्रो करते हैं ओके एक तीन सीजन में डिवाइड करके तीन तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इससे इनका जो है प्रोडक्शन वो मैक्सिमाइज होता है दूसरा तरीका क्या है कि आप मॉडर्न uh, फार्मिंग का यूज करें मॉडर्न फार्मिंग मतलब क्या हाई ये सीड्स सीड्स का यूज करना है और जब एच वाई वी सीड्स यूज करते हैं तो आपको साथ में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ेगा जिससे आपका आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा सेम पीस ऑफ लैंड से ओके ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हाई येल्डिंग वराइटी सीड्स होते हैं एच वाई वी सीड्स होते हैं वो सेम सिंगल प्लांट से आपको ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन करके देंगे एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वराइटीज ट्रेडिशनल वराइटी से ज्यादा प्रोडक्शन सेम प्लांट करके देता है अगर आप एच वाई वी सीड्स का यूज करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद वन हेक्टेयर ऑफ लैंड सिंपली इसमें वैसे फार्मर के सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है जिनके पास कितने जमीन है लेस देन वन हेक्टेयर इनके साथ क्या होता है कैसे फार्मिंग करते हैं तो देखो इनके साथ बहुत और बहुत और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है पहला देखो लो आउटपुट इनका जो प्रोडक्शन लेवल बहुत कम होता है क्यों क्योंकि इनके पास पीस ऑफ लैंड क्या है बहुत ही कम है जो कम पीस ऑफ लैंड रहेगा तो उनका आउटपुट भी क्या होगा बहुत ही कम होगा और इनका आउटपुट इतना कम होता है कि इनके फैमिली को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि वन हेक्टेयर से कम लैंड वाले लेबर का सरवाइवल का सिचुएशन बहुत मुश्किल होता है ओके okay, डिफिकल्ट uh, होता है दूसरा नीड ऑफ कैपिटल नीड ऑफ कैपिटल मीन्स वॉट दात उनको एग्रीकल्चर uh, करने के लिए फार्मिंग करने के लिए सीड्स खरीदना पड़ता है फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है और ये सीड्स वगैरह फर्टिलाइजर खरीदने के लिए उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है कैपिटल उनको कौन देता है लार्ज फार्मर्स देते हैं ट्रेडर्स देते हैं मनी लेंडर्स देते हैं किस फॉर्म में, है? में देते हैं ये कैपिटल लोन के फॉर्म में देते हैं लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा लेते हैं तो पहला तो भाई की नीड ऑफ कैपिटल कैपिटल इनको चाहिए कैपिटल के के लिए इनको लोन लेना पड़ता है और लोन इनको क्या मिलता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है ये दूसरा इनका सिचुएशन है जो बहुत ही खराब है तीसरे इनके तीसरा इनका सेट क्या होता है कि lack of irrigation facility देर small farmers इनके पास इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है चूंकि वो अप खुद और उनका फैमिली मेंबर फार्मिंग फार्म पे काम करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद है ना उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं हो नॉट अवेलेबल हो तो उनका जो पूरा फार्मिंग किस पे डिपेंड करेगा रेनफॉल पर डिपेंड करेगा ओके और रेनफॉल क्या होता है अनसर्टेन है कब होगा कब नहीं ज्यादा होगा कम होगा कुछ नहीं पता है इसलिए सिचुएशन क्या होता है कि अपने लाइफ को जीने के लिए और अपने लोन्स को चुकाने के लिए उन्हें और उनके फैमिली मेंबर्स को वो फार्म लेबर के रूप में दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है नेक्स्ट उनका सिचुएशन क्या होता है कि वीसी सर्कल ऑफ लोन है ना कि जब वो हार्वेस्ट करते हैं फार्मिंग के लास्ट में जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उनके पास बहुत ही लिटिल प्रोड्यूस होता है उनके पास सरप्लस नहीं बचता है कि वो मार्केट में जाकर बेच कर पैसे उससे कमाए ठीक है तो जितना भी वो प्रोड्यूस करते हैं या तो अपने नीड्स अपने फैमिली के लिए प्रोड्यूस होता है या तो लेंडर्स जो पैसे लिए थे उनको चुकाने में वो सारे प्रोड्यूस चले जाते हैं वो सारे क्रॉप चले जाते हैं और इससे उनके पास कोई सेविंग नहीं बचती सेविंग नहीं बचने के कारण वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं इतना पैसा नहीं बच पाता है कि मॉडर्न फार्मिंग को एडॉप्ट करें तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनके पास कोई नेक्स्ट सीजन के लिए कोई वर्किंग कैपिटल नहीं बचता है तो so अल्टीमेटली हुआ क्या की सिचुएशन एट द एंड ऑफ द डे इज स्टिल द सेम जो पहले था हार्वेस्टिंग करने के बाद भी सिचुएशन वही रहता है अभी भी उनको पैसे की जरूरत होती है फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए और उसके लिए वो फिर लोन लेते हैं मतलब वो वो लोन 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 आफ्टर आफ्टर लेते हैं और वो, सर्कल ऑफ लोन वो लोन के चक्कर में लोन के जाल में फंस जाते हैं कर्जे के जाल में फंस जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन ओके हाउ डू द मीडियम मीडियम और लार्ज फार्मर्स को कैपिटल कैसे मिलता है और ये स्मॉल फार्मर से कैसे डिफरेंट है तो स्मॉल फार्मर के बारे में तो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया देख लेते हैं देखिए मीडियम जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर हैं वो कैसे कैपिटल ऑप्टेन करते हैं तो पहला जो उनका तरीका है सेलिंग द सरप्लस है ना इनका जो इनके पास जमीनें क्या होती है वो ज्यादा जमीनें होती हैं ज्यादा जमीनें होने के कारण उनका जो प्रोडक्शन क्या होता है ज्यादा होता है प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण उनको सरप्लस बच जाता है सरप्लस का मतलब खुद फैमिली के लिए जितना यूज था उससे कहीं ज्यादा वो प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उन सरप्लस को सेलिंग द सरप्लस उन सरप्लस को वो मार्केट में बेचते हैं और मार्केट में बेचने के बाद उनको क्या होता है जो पैसा मिलता है वो कैपिटल फॉर फार्मिंग यूज करते हैं सरप्लस को बेचने के बाद जो पैसे मिलता है तो पहला तरीका तो हो गया कि वो सरप्लस को बेचकर कैपिटल ऑप्टेन करते हैं दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बताया था कि ये जो ज्यादातर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लोन देते हैं किसको लोन देते हैं स्मॉल फार्मर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो जो इंटरेस्ट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को मिलता है वो उनका क्या होता है अर्निंग होता है और कैपिटल के फॉर्म में यूज करते हैं तो इस तरीके से आपने देख लिया कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को कैसे कैपिटल मिलता है और ये स्मॉल फार्मर से कैसे अलग है देखो स्मॉल फार्मर्स तो जानते ही हैं कि उनको काम स्टार्ट करने के लिए वो लोन लेते हैं वो लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है और स्मॉल साइज होने के कारण उनका प्रोडक्शन भी बहुत ही स्मॉल होता है ठीक है और वो जो कम प्रोडक्शन होता है या तो वो फैमिली के लिए रखते हैं या तो वो लैंडर को चुकाने के लिए यूज कर जाते हैं तो एज अ रिजल्ट उनके पास कोई सरप्लस नहीं होता उनके पास कोई सेविंग नहीं होता और वो फिर से उनको लोन चाहिए तो ये इनका जो फार्मिंग होता है वो पूरा किस पर डिपेंड करता है लोन पे और इनका जो होता है वो सरप्लस को सेल करके और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा कर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन वो क्या है कि सविता के बारे में स्टोरी में बात की गई है कि सविता एक लोन लेती है तेजपाल सिंह से तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है उस विलेज का तो क्या टर्म्स होते हैं क्या शर्त कौन से कंडीशन पे कौन से शर्तों पे सविता लोन लेती है तेजपाल सिंह से और अगर इस सविता को बैंक से लोन मिलता कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो क्या होता है ना तो आंसर देखिए आपके सामने है कि सविता गेट्स अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह तेजपाल सिंह से लोन लेती है तेजपाल सिंह कौन है अ लार्ज फार्मर इन द विलेज विलेज में लार्ज फार्मर है और ये लोन क्यों लेती है सीड्स को खरीदने के लिए फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करवाने के लिए तो इन सारे चीजों के लिए सविता तेजपाल सिंह से लोन लेती है पर तेजपाल सिंह क्या करता है कि लोन देने से पहले कुछ कंडीशन रखता है कि मैं तभी लोन दे पाऊंगा जब तुम इन इन शर्तों को मानोगी वो शर्त कौन कौन से हैं पहला शर्त कि वो तीन हजार रुपये तीन हजार रुपए का लोन देगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा चार महीने के लिए ट्वेंटी फोर परसेंट अब समझ सकते हो कि चार महीने के लिए अगर ट्वेंटी फोर परसेंट है तो एक महीने के लिए छह परसेंट है और एक साल के लिए कितना हो जाएगा सेवेंटी टू परसेंट यानी आप समझ सकते हो सेवेंटी टू परसेंट पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा होता है यह पूरा का पूरा एक्सप्लोइटेशन है स्मॉल फार्मर्स का ओके दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मैं तुम्हें लोन दूंगा तो तेजपाल सिंह कहता है कि तुम मेरे खेत पर थर्टी फाइव रुपीज पर डे के हिसाब से हार्वेस्टिंग के, जब मेरे खेत में जब मेरे फील्ड में हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा तो तुम मेरे खेत में थर्टी फाइव रुपीज पर डे पे काम करोगे इसको मजबूर किया जा रहा है कम वेज पे उसके खेत पे काम करने के लिए तीसरा क्या हुआ कि इन सारे कंडीशंस को जानने के बावजूद भी ठीक है वो लोन लेने के लिए रेडी हो जाती है Uh, सारे कंडीशन को मान जाती है टफ कंडीशन को क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स होती है और वो जानती है कि उनको स्मॉल फार्मर्स को जल्दी कोई लोन नहीं देता है। अगर उसे बैंक से लोन मिलता तो क्या होता कि पहला तो उसका रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होता तेजपाल सिंह से दूसरा बेनिफिट उसको क्या मिलता कि वो सारा का सारा फोकस वो अपने फार्म पे कर पाती क्योंकि अब यहां पे तो दूसरा कंडीशन था कि भाई तेजपाल सिंह के फार्म में काम करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा टाइम अटेंशन अपने फार्म पे दे पाती तीसरा क्या है कि भाई सविता के तीन बच्चे भी हैं उनके लिए भी टाइम चाहिए लेकिन अगर तेजपाल सिंह से लोन लेता है तो ये टाइम नहीं निकल पाएगा लेकिन अगर बैंक से लोन लेती अगर उसे मिलता तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फैमिली को भी डिवोट कर पाती और अपने बच्चों को भी वो टाइम दे पाती अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है कि कोई ओल्ड मैन ओल्ड रेसिडेंट से आपको मिलना है अपने एरिया के ठीक है ओल्ड रेसिडेंट से मिलना है और उनसे ये पूछना है कि चेंजेस इन इरिगेशन एंड प्रोडक्शन मेथड कि उन्होंने वो तो ओल्ड है तो थर्टी इयर्स में उन्होंने क्या क्या चेंज देखा है किसमें इरिगेशन के फैसिलिटीज में और क्या क्या उन्होंने इन थर्टी इयर्स में चेंज देखा है प्रोडक्शन के एग्रीकल्चरल uh, प्रोडक्शन के मेथड्स में ये चेंज के बारे में इनसे पूछना है और आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है दिस हैज टू बी डन बाय योर सेल्फ ओके यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन ये मैं नहीं बताऊंगा खुद आपको करना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता है कि वॉट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर एरिया पालमपुर के बारे में अगर बात करें तो मेरे पीछे के वीडियोज़ में आप जाके दे सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी में क्या क्या होती हैं जैसे डेरी फार्मिंग हो गया आई मीन डेयरिंग हो गया या उसके बाद कुछ शॉप कीपर अर्न कर रहे हैं शॉप कीपिंग से उसके बाद जागरी का प्रोडक्शन हो रहा है है ना ये मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स में आ गया कंप्यूटर सेंटर्स की बात हो रही है तो फार्मिंग के अलावा कौन कौन से अदर सोर्सेज ऑफ अर्निंग है जिसे हम बोलते हैं नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज फार्मिंग के अलावा अदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओके ये आपके एरिया में कौन कौन सा हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो टू बी डन बाई यू ओके अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वट कैन बी डन सो दट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेज क्या क्या किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग के अलावा अदर सोर्सेज ऑफ अर्निंग हो विलेज रूरल एरियाज में तो तीन चीज किया जा सकता है पहला चीप क्रेडिट देखो कोई भी फार्मर है अगर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज करना चाहता है या कोई स्मॉल इंडिविजुअल या कम्युनिटी बिजनेस करना चाहता है तो उसको क्रेडिट चाहिए और क्रेडिट अच्छा कब होता है जब उसको चीप क्रेडिट मिलता है चीप क्रेडिट का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो बहुत ही कम हो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट करके पर लोन लेके बिजनेस करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है सो so, गवर्नमेंट uh, को कुछ ऐसा स्कीम्स लाना चाहिए जिनसे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको चीप क्रेडिट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिले दूसरा रूरल वर्कशॉप गवर्नमेंट को कुछ रूरल वर्कशॉप का मतलब क्या हुआ कि नॉलेज देने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए उनको कुछ वर्कशॉप उनको कुछ नॉलेज देने वाला वर्कशॉप तैयार करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के यूथ हैं रूरल यूथ हैं या लैंडलेस लेबर हैं स्मॉल फार्मर्स हैं उनका स्किल्स डेवलप हो सके और नॉन फार्म एक्टिविटीज वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सके तीसरा क्या है गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बच्चों आपको पता है जो गांव के जो रोड्स हैं या जो कम्युनिकेशन है जो ट्रांसपोर्टेशन है हॉस्पिटल की सुविधा है या स्कूल की सुविधा है है ना ये सारी चीजें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नॉन फॉर्म एक्टिविटी भी डेवलप होने का चांस उतना ही ज्यादा रहता है ओके तो ये तीन चीजें हैं जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है स्टूडेंट्स तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है तो आपसे ये बताना चाहता हूं कि पार्ट वन और पार्ट टू आप देख ले मेरे वीडियो का उसके बाद ये वाला वीडियो देख लें जो मैंने डिस्कस किया अगर ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो विलेज ऑफ पालमपुर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा हर जानकारी आपको मिल जाएगी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास पहुंचे आप और सीख पाए और लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलने का सिंपल मतलब है मुझे अच्छा लगेगा मोटिवेशन मिलेगा दैट यू आर आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम माई चैनल Okay, thank you very much.